हम यहां से दानियल के पुस्तक में जाते हैं। दानियल के पुस्तक 12 अध्याय का 3 वचन हम पहले पढ़ते हैं। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 वर्स 3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। Those who are wise shall shine like the brightness of the sky above. Those who turn away to righteousness, those who turn many to righteousness, like the stars forever and ever. Hallelujah. बुद्धिमान वे लोग हैं, सिखाने वाले लोग वे लोग हैं जो परमेश्वर के कहने पर चलते हैं। परमेश्वर का आत्मिक तलवार लहराते रहता है, जुआ उठाकर चलता है। यीशु से सीखते हैं और सिखाते हैं। लर्न ऑफ मी एंड टीच अदर्स सेड जीसस। दीज आर द वाइज मैन हु सेट आउट एट गॉड्स कमांड, हु शेयर हिज हार्ट्स बर्डन, हु गो कैरिंग देयर क्रॉस, वील्डिंग देयर सोर्ड, सोइंग द सीड विद टियर्स and taking upon themselves the yoke of Jesus, learning of him and teaching others in order to make them disciples. हमने देखा ये लोग ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के कहने पर निकले हुए लोग हैं, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आए हुए लोग हैं। हम चेले लोगों के विषय में भी पढ़ते हैं, परमेश्वर के हृदय को बांट कर रहे हैं, परमेश्वर के बोझ को अपना कर रहे हैं, अपनी अपनी सूली उठाते हुए, आंसू बहाते हुए, वचन सुनाते हुए, बीज बोते हुए, यीशु के जुआ लेकर उससे सीखकर लोगों को सिखाकर चेला बनाते हुए चलते हैं वो लोग। आकाश मंडल की सी होगी, अमेर वो लोग तारे के समान प्रकाशमान रहेंगे। दे शैल शाइन लाइक स्टार्स, दे शैल बी ब्राइट लाइक द स्काई, cloudless sky. Hallelujah. Hallelujah. A great finish has been assured. ये महान समाप्ति परमेश्वर की ओर से वायदा किया गया है। उसके बाद हम उसके 13 वचन पढ़ते हैं, वही अध्याय का। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहा। Go your way till the end, David. Sorry, Daniel. तू जा, विश्राम कर, तू और तेरी साथिया, नॉट ओनली यू बेलशस्सर बट शद्रक मेशक एंड अबेदनेगो योर फ्रेंड्स, गो रेस्ट फॉर ए वाइल। हमें उन दिनों तक तू विश्राम पर, तू अपने निज बाग पर खड़ा होगा। हमें You will be standing at your allotted place, shining like a star. Unchai mein tu khada rehne ke liye, to be standing on the victory stand. Vijay peedh ke upar nilkanadra nee madangi varum. Daniele nee poikkolga. ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശത്തിലെ പ്രഭ പോലെയും അനേക നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും ശോഭിക്കും. അവരത്ര യഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവർ, തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നവർ, യഹോവയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ, ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ, അമേൽ ആത്മാവിന്റെ വാൾ എപ്പോഴും വീശിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ, യേശുവിന്റെ ദുഃഖം ഏറ്റെടുത്ത് അവനോടുകൂടെ പഠിച്ച് അനേകരെ പഠിപ്പിച്ച് ശിഷ്യരാക്കുന്നവർ, അമേ അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിക്കും, ആകാശത്തിന്റെ പ്രഭ പോലെ തിളങ്ങും. നീയോ ദാനിയേലേ, നിന്റെ കൂട്ടുകാരും ഞാൻ ആ കൂട്ടുകാരെ അവനോട് ചേർക്കുക, നിങ്ങൾ പോയി വിശ്രമിക്കുക, കാലാവസാനത്തിങ്കൽ വിജയപീഠത്തിൽ കയറി നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും. जकरिया के पास जाता है, जकरिया का पुस्तक 4 अध्याय का 8 से पढ़ते हैं, चैप्टर 4 जकरिया 8 ऑनवर्ड्स। यहोवा का वचन
मेरे पास पहुंचा। जरुबाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hands shall also complete it. Hallelujah. वही अपने हाथ से उसको तैयार भी करेगा। Though he does not have stones, he does not have bricks, he does not have wood, he does not have artisans. Amen. He does not have builders. But my hands will be with him. मेरा हाथ उसके संग बने रहेगा और उसके ही हाथ से मेरा भवन तैयार किया जाएगा। It will not be reduced to a good start, O Zerubbabel. It will end up in a great finish. Hallelujah. Zerubbabel, तूने सही शुरुआत सिर्फ नहीं किया, तेरे ही हाथों से महान रीति से अति सुंदर रीति से ये भवन बनाया जाएगा। हमें ऐसे परमेश्वर का वचन कहता, सेनाओं के यहोवा मुझे तेरे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन को तुच्छ जाना है। फॉर हूएवर हैज डिस्पाइस्ड द डे ऑफ स्मॉल थिंग्स शल रिजॉइस शल सी द प्लंब लाइन इन द हैंड ऑफ जरुब्बाबेल। छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं मानना है, क्योंकि यहां लिखा है परमेश्वर अपनी सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि कर साहूल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखकर आनंदित होगा। द रोविंग आईज ऑफ द लॉर्ड, द सेवन आईज ऑफ द लॉर्ड रेंजिंग थ्रू द होल अर्थ will rejoice to see the plumb line in the hand of Zerubbabel. Amen. Zerubbabel, padivar ayudhangalillengilum valiya shilpigalillengilum samagrigalillengilum padimbol Yehovayude vachanaprakaram padivennu urachu നേരോടെ പണിയുമെന്നുറച്ച് തൂക്കുകെട്ട കരത്തിലെത്തിക്കൊണ്ട് നീ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭൂമിയിലൊക്കെ ഉടാടി സഞ്ചരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ ഏഴ് കണ്ണുകളാകുന്ന ഏഴ് ആത്മാക്കളാകുന്ന ഏഴ് കണ്ണുകൾ ആനന്ദിച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടുന്നു. സെരുബാവേൽക്ക് ഹാത്തുമേ പരമേശ്വർക്ക് ഉൻ സാത്താങ്കോനെ സാത്താത്മായോനെ തേക്കാ സാഹുൽ രേഖാക്കോ बांधने के लिए सामग्री नहीं है, राजमिस्त्रियां नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो भी साहूल रेखा लेकर वो कहते हैं मैं बांधूंगा तो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार बांधूंगा, परमेश्वर के नियम के अनुसार बांधूंगा। ये देख स्वर्ग आनंदित होती है। It shows his determination and commitment to build according to the word of God, according to the statutes of God. That is why he is standing with the plumb line in his hand. It will be straight, vertical. Amen. It will not bend to any pressure. Dabav mein daba nahi jayega wo. अमर झुकेगी नहीं, वचन के अनुसार चलेंगे। स्वर्गानंदित होता। यह आरंभ दुनिया की दृष्टि में छोटी होगी। दिस मे लुक लाइक अ हम्बल एंड इनसिग्निफिकेंट बिगनिंग टू द आईज ऑफ द वर्ल्ड, बट द आईज ऑफ द लॉर्ड रिजॉइस टू सी दिस प्लंब लाइन इन हिज हैंड। हालेलुया। हमारा निर्णय यही है, हम वचन के अनुसार बांधेंगे, हम वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। बाएं नहीं, दाहिने नहीं, झुकेंगी नहीं। We will not move to the left or to the right from the word of God. Amen. हम आगे बढ़ते हैं, हम उसके बाद हम जुना नियम के अंतिम पुस्तक में जाता, बुक ऑफ मलाकाई, मलाकी तीसरे अध्याय से पढ़ता है, उसके 16 से पढ़ता है।
तब यहोवा का भय मानने वालों आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उसकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का स्मरण करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एवरीथिंग वॉज गेटिंग रिकॉर्डेड। हालेलुया। Those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them. And the book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. Parveshar ke mahimavan naam ko dharan karkar लोग आपस में बोलते थे। हालेलुया। कलीसिया का सुंदर दृश्य है, एक दूसरे को उत्साह दिलाते हुए, प्रोत्साहन देते हुए, एक दूसरे को याद दिलाते हुए परमेश्वर के वायदाओं का। हालेलुया। फेथ, माइटी फेथ, द प्रॉमिसेस एंड लुक्स टू गॉड अलोन। विश्वास, विश्वास, महान विश्वास, वायदों को स्मरण करता और परमेश्वर की ओर ताकते रहता। विश्वास, श्रेष्ठमाय विश्वास, वाक्तत्वങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്ന വിശ്വാസം, യഹോവയുടെ കണ്ണുയർത്തുന്ന വിശ്വാസം, അസാധ്യങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുമെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം, ഓരോരുത്തരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസം, അന്യോന്യം പ്രത്യാശിക്കുമാറാക്കുന്ന വിശ്വാസം, സഭയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം, ആമേൻ। കലീസിയമേ വിശ്വാസ് ബർത്തെ ജാതെ ഏക ദൂസരെ കുൽ സാഗ് ദിലാതെ പരമേശ്വര കേ വായദോ കേ യാദ് ദിലാതാ ഹേ ഔർ കഹതെ സാധ്യ ഹേ സുസാധ്യ ഹേ ആമേൻ। അസംഭവ കോ ദേഖ് കർ ഹസ്താ ഹേ വിശ്വാസ് കോ ഔർ പരമേശ്വര को वचन को थामे रहते हैं। अमन द प्लम्बलाइन इन द हेड ऑफ ज़रुब्बाबेल। अमन मैं बनाऊंगा, अमन सीधा बनाऊंगा। आई विल बिल्ड द हाउस ऑफ द लॉर्ड एज पर हिज प्रॉमिस। अमन व्हाइल होल्डिंग ऑन टू द प्लम्बलाइन आई एम एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू हिज प्रॉमिस। ये साहुल रेखा होकर लेकर मैं कड़ा रहता तो परमेश्वर को वायदा को पकड़ कर कड़ा रहता। Hallelujah। ये परमेश्वर की स्मरण की किताब में उल्लेखित है। This has been recorded in the book of his remembrance। Amen। सेनाओं के यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। On that day appointed by me, they shall be my treasured possession। Hallelujah। मेरे संपत्ति ठहरेंगे वो लोग। अंतिम दिन की बात करता है। Hallelujah। सुभाईमान एक समाप्ति होगी। Amen। What a glorious, magnificent finish it shall be। They shall be counted as my treasure, my prized possession। मेरे निज भाग ठहरेंगे और उनसे मैं ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करते हैं। Amen। I will show such favor to them, I will spare them as a man spares his son who serves him। मेरी सेवा करने वाले अब उसकी सेवा करने वाले पुत्र को जैसे एक पिताजी चाहता है वैसे परमेश्वर के क्रोध के दिन में अंतिम समय में वो उसके लोगों को बचाएगा। ऐसे परमेश्वर का वचन है। Oh, we are heading towards a glorious finish, a triumphant finish। Hallelujah। हम ऐसे एक महान जीत के लिए, एक शानदार समाप्ति के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रभु हमें बचा कर रखेगा क्रोध से, विनाश से बचा कर रखेगा। तब फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद तुम पहचान सकोगे, उन दोनों में पता चलेगा। हमने आदि पुस्तक से उत्पत्ति से चल के आया, अनेकों को देखा जिन्होंने परमेश्वर की सेवा किया, परमेश्वर के लिए सब कुछ लुटा दिया, परमेश्वर के लिए सब कुछ अर्पण किया, उसके साथ जो भी किया गया उससे भी अधिक हालेलुया अंतिम दिनों में किया जाएगा। जस्ट एज ही डेल्ट विद ऑल दोस सर्वेंट्स ऑफ गॉड हू वी वेंट एंड सो टुडे, हू वी विजिटेड टुडे फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस टिल नाउ, जस्ट एज गॉड ब्रॉट इट टू अ ग्लोरियस कंप्लीशन, ए ट्रायंफल कल्मिनेशन, मच मोर देन दैट God will do for us। Hallelujah। In the end time aur dikhai dega, ye farak dikhai dega, jo uske sang chalta, jo utha kar chalta, hallelujah, jo uske seva karta, jo beej bota, hallelujah, uske beech mein, uske aur baki logon ke beech mein jo farak hai wo prakat hogi, amen, badi khubi se prakat hogi, amen। The difference will be seen between those who will take up his yoke and walk with him। Hallelujah, will keep sowing the seed even as they walk, hallelujah, and those who would reject him, hallelujah। हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे हम जो ना
नियम के पुस्तकों को समाप्त करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी नया नियम में नजर डालने का प्रयास करेंगे। We will move on to the gospel according to Saint Luke. हम पहले लूका का सुसमाचार में जाते हैं। हम इधर उधर से सब पढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि लिखा ऐसा कैसे लिखा गया है, तो पिलातोस ने कहा कि जो लिखा है वो लिखा है। तो इवन आई हैव टू से टू कन्फेस एज ए पायलट वुड दैट व्हाट इज रिटन इज रिटन। तो हम पहले अध्याय में आते हैं, लूका का सुसमाचार पहले अध्याय का हम 6-7 पहले पढ़ते हैं। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशीबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। What a description of this couple. They were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. जैसे शमूएल के लिए परमेश्वर को एक हन्ना की जरूरत थी, एक युहन्ना के लिए हालेलुया उसको एलिशेबा चाहिए, वहां एलकाना और हन्ना चाहिए, यहां उसको जकरिया और एलिशेबा चाहिए। वे धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, विधियों पर निर्दोष चलते थे, खरे मार्ग में चलते थे। They both were righteous. God would need a Zechariah and an Elizabeth, just as He had needed an Elkanah and Hannah to bring forth a Samuel. Now, heaven needs these people in order to birth John the Baptist. They had no child. उसका कोई संतान नहीं था और दोनों बुढ़े थे, उम्मीद भी नहीं रहा। शुरुआत सिर्फ सही नहीं था, बोलो चलते ही आया, जैसे अब्राहम चलते रहा वैसे चलते आया। संतान नहीं है तो भी बुढ़ापा में भी परमेश्वर की सेवकाई को नहीं छोड़ा, जैसे यिर्मयाह कहता मैं सेवकाई को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। They did not allow themselves to be so frustrated as to give up serving God. We will not either. बोलो अपने आप को ऐसे नाराज होने नहीं दिया, परमेश्वर के पीछे चलते रहा कुछ नहीं पाया तो भी जैसा शुरू किया वैसा अंत तक वो लोग चलेंगे, ऐसा उनका निर्णय है। साहुल रेखा रेखा चलता है, सीधाई से चलते हैं, खरे मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हुए चलता है। हन्नयम दैवत्तिन वेणमो ഒരു ശമൂവേലിനെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിന് ഒരു സക്രിയാവിനെ എലിസബത്തിനെ ആവശ്യമുണ്ട്। അവർ യഹോവയുടെ വഴിയിൽ നിഷ്കളങ്കരായി നടക്കുന്നവരായിരിക്കണം, അവർ യഹോവയുടെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരായിരിക്കണം। ഒരു സന്തതിയെ പോലെ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത്രമാത്രം വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധനും വൃദ്ധയുമായി തീർന്നെങ്കിലും യഹോവയുടെ വഴികളിൽ നടക്കുന്നതും യഹോവയെ സേവിക്കുന്നതും അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല, അവർ നിരാശപ്പെട്ടില്ല। ഹല്ലേലൂയ മോശ ആഗെ ബോട്ട ഹൈ ഓ യേ അധ്യായ കാ 76 ഓർ 77 പഠത്തെ ഹൈ 76 ആൻഡ് 77 വി വിൽ റീഡ് ഓർ തൂ ഹേ ബാലക് അബ് ജക്കരിയാ കാ മൂഹ് സേ നിക്കൽത ഹൈ हे भालक परम प्रधान का भविष्य वक्ता तू कहलाया जाएगा। आमेन। एंड यू ओ चाइल्ड विल बी कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट हाई। इट इज नॉट दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ सन। आमेन। हेवन हैज गिव्ड अ सन। ऐसा नहीं कि हमें एक पुत्र दिलाया गया, नहीं, स्वर्ग को एक महान पुत्र मिला है, परम प्रधान का भविष्य दत्ता कहलाया जाएगा। यू शैल बी कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड विद द कम्युनिकेशन लिंक विद हेवन हैड बीन इरेक्टेड। आमेन। लिंक वॉज ब्रोकन लॉन्ग अगो
400 से अधिक बरस से स्वर्ग के साथ कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन अब वो जोड़ने वाला आएगा, स्वर्ग के साथ संबंध जोड़ने वाला। This man will bridge that gap and connect to the people of the world with heaven. वो आएगा। He will break the silence of more than 400 years. Man, he will become the oracle of God. क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। अपने भविष्य के बारे में निश्चित होकर, अपने विषय में निश्चित होकर, जैसा तूने हमें बताया, तू एक शब्द है, मार्ग बनाने वाले की शब्द है, रेगिस्तान में गूंज उठने वाली शब्द है। You will reduce yourself just to be a voice that will prepare the way for the Lamb of God. Amen. A voice that would echo and get re-echoed in the wilderness to prepare his ways. इतना ही नहीं, उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, उनके पापों की क्षमा के प्राप्त होता। हालेलुया। To give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins. अनेक पापों की क्षमा किया जाएगा, जैसे एशिया त्रिपट में हमने पढ़ा। हालेलुया। उसके लिए मार्ग बनाएगा, उपदेश ये सिखाएगा, अनेक को उपदेश सिखाने वाला। आमेन। आसमान की प्रभा की तरह, अनेक तारों की तरह चमकोगे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, तू तो एक प्रज्वलित दीपक है। He will shine like that of shine like stars of the sky. He will teach people to turn to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अब आगे बढ़ता है, वहां से हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे अध्याय का 12 पढ़ते हैं, दूसरे का 12वां वचन। और इसका तुम्हारे लिए यह पता कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। अभी हमने यूहन्ना की शुरुआत को देखा। यूहन्ना जिसके लिए मार्ग बनाने के लिए आया, उसका जन्म है, यीशु का जन्म है, तू उसको देखोगे हमें ऐसे कपड़े में, ऐसे पुराने कपड़े में लपटा हुआ एक को तुम देखोगे। उसको तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ देखेगा, चरनी में पड़ा हुआ देखेगा। हालेलुया। यही मसीह है। 12 पढ़ना। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। Amen. He is the one who's born unto you. Amen. यह है वो बालक। अब उसको देखोगे एक ऐसे कंगाल घर में, जन्म लेने के लिए जगह नहीं मिला, रास्ते के किनारे में जन्म लिया। He found no place to be born. That is the humble beginning of his. Amen. ऐसे उसको शुरुआत है, ऐसे जूनी कपड़े में, इन रैग्स, wrapped up in swaddling clothes, lying in a manger. Amen. ऐसे गौशाला में, ऐसे चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यह है उसका शुरुआत। Amen. हम वहां से मत्ती में जाते हैं। मत्ती का नाम उधर लिख के रखा था, इसके लिए मत्ती 28 में जाते हैं। We move on to Matthew चैप्टर 28, 28वां अध्याय का 2 से पढ़ते हैं। देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतर कर आया, पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। Behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. Hallelujah. अब देखो क्या हो रहा है, वही शिशु अब मारे हुए से जी उड़ कर आएगा।
कब्र के ऊपर मृत्यु को परजाई पाकर आएगा। स्वर्गदूत लोग उतर कर आता, अमेर ऐसे बहुत बड़े पत्थर को लुढ़का देता और उसको ऊपर बैठ कर कहता, ये सारे सामर्थ्य, ये जगत का सारे सामर्थ्य हमारे पैरों के थले है। टू प्रूव दैट ऑल द पावर्स ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी अंडर हिज फीट, ही विल सिट ऑन द स्टोन, द एंजल ऑफ गॉड। आमेन। वो वहां बैठता और कहता, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। His appearance was like lightning and his clothing white as snow। हालेलुया। पुराने कपड़े में लपटा हुआ शिशु नहीं है, ये स्वर्गीय महिमा को धारण कर जीवित रहेगा। आमेन। You have begun right and you will end greatly and triumphantly। हालेलुया। शुरुआत ऐसा है लेकिन महान समाप्ति है। God will perfect everything concerning the one whom he has called। हालेलुया। उसने जिसको बुलाया है उसकी समाप्ति ऐसी होगी। आमेन। वैसे महानता से उसके भाई से पौरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। एंड ऑल द गॉड्स विल ट्रेम्बल एंड बिकम लाइक डेड मैन। हालेलुया। लाश समान गिर पड़े वो लोग। यह उसकी महिमा। हालेलुया। जब जन्म लिया किसी ने नहीं जाना, सारे दरवाजे उसके सामने बंद था। हालेलुया। ऐसे पुराने कपड़े में लपटे हुए शिशु समान चरनी में उसको सुलाया गया। हालेलुया। अब वो जी उठ कर आता। प्रभु ने हमें उसके लिए बुलाया है, ऐसे अंध के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया, अगर यीशु के संत मारे गए, हालेलुया, हम क्रूस उठाए हो तो हम ऐसा ही जिलाया जाएगा, इतनी महिमा के साथ, इतने सामर्थ्य के साथ। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। आगे बढ़ते हैं, दोबारा लुका में चले जाते हैं। वी मूव ऑन टू लुक वंस अगेन, उसके चौथा अध्याय में जाता है, उसके चौथा अध्याय का 3-4 वचन हमें पढ़ना है। पहला 2 वचन पढ़ता, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदान से लौटा, 40 दिन तक आत्मा किसी काने से जंगल में फिरते रहा, शैतान उसकी परीक्षा करता। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वो दिन पूरा हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। द स्पिरिट वुड लीड हिम टू विल्डनेस, ही वाज लेड बाय द स्पिरिट टू द विल्डनेस टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल फॉर 40 डेज। ही वाज कंटिन्यूअसली बीइंग टेम्प्टेड बाय द डेविल, ऐसा लिखा है, फॉर 40 डेज being tempted by the devil, and when they were entered he was hungry। कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ पीने को नहीं मिला, जंगली जानवरों के पीछे था, बीच में था, और शैतान लगातार उसको परीक्षा लेते रहा। नाल्पद दिवसो नाल्पद रात्रियम, सातानाल परीक्षिकपड़ेंडत, निरंतरम परीक्षिकपड़ेंडतन्न। दूतन अवने मरुभूमियिलेक्ക് നടത്തി, യേശു കർത്താവിനെ, അവരൊന്നും ഭക്ഷിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഒന്നും കുടിപ്പാൻ ലഭിച്ചില്ല, അവൻ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരുന്നു, അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു। ആമേൻ। उसके बाद हम 14-15 भी पढ़ते हैं। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। 40 दिन बीतने पर पूरा जयवंत होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की पूर्णता में वो गलील को लौटा। यू विल बी ब्रॉट बैक, लौटाया जाएगा। विजय बनकर, सामर्थ्य बनकर लौटाया जाएगा। You will be brought back. Amen. Jesus returned in the fullness of the power of the Holy Ghost. And the report about him would spread all over. Uski mahima sare aur wo itne prasiddh hoga. Amen. Avanne tirige kondu varyo. ആത്മബലത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നീ വരോ, നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രുതി നാടെങ്ങും പരക്കും, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ। വോ ഉസ്കി ആരാധനയിൽ മേ ഉപദേശ കർത്ത രഹാ, സബ് ഉസ്കി ബഡായി കർത്തേ തേ, ഹീ ടോക്ട് ഇൻ ദ സിനഗോഗ്സ് ബീയിംഗ് ഗ്ലോറിഫൈഡ് ബൈ ഓൾ। ഹല്ലേലൂയ।
सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, और उसके आराधनालय में जाकर वो सिखाते रहा। हालेलुया, चरनी में नहीं पड़ा रहे। आमेन। आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं, उसके पांचवें अध्याय में जाकर आठवां वचन पढ़ते हैं, वर्स 8 of 5th chapter। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। लुक एट दिस मैन, ये शिमोन है, कुछ नहीं पकड़ा। हालेलुया, कड़ी मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन परमेश्वर के कहने पे उसके आज्ञा को वो मानेगा, उसके आज्ञा को वो मानेगा। कहते कुछ नहीं पकड़ा। उसके बाद शिमोन उसको कहता, सब कहानी में आपसे पढ़वाता नहीं, आप जानते हैं सब, यीशु के कहने पर जाल फेंकता और इतना मछली आता, और वो क्या कहता, ए प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। अरे हाउ ही बिगन कन्फेसिंग, Resurrected man, he is a sinful man, unworthy to stand even near to Jesus. Hallelujah, ये रहा उसका शुरुआत। Hallelujah, यीशु कहते नहीं मेरे पीछे हो जाओ, उसने सब कुछ छोड़कर पीछे हो लिया। He was no fool. वो बेवकूफ नहीं रहा। Hallelujah. That was the beginning. लेकिन सही शुरुआत है, सब कुछ छोड़ कर, पापों को मान कर कबूल कर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के पुत्र की महिमा का दर्शक बनकर सब कुछ छोड़ कर निकलता। आवाज से जाते जाते हम 22 नहीं, हम 10 पहले पढ़ते हैं, 10 का पहला वचन पढ़ते हैं, नहीं तो हम 22 पढ़ते हैं, जैसे लिखा वैसे पढ़ते हैं, नहीं तो आपको गड़बड़ी होगी। हम 22 में जाते हैं, जैसे लिखा वैसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। 22:31 पढ़ता है, शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। कहते शिमोन, तुम और तेरे साथियों को गेहूं के समान फटकने के लिए शैतान ने अनुमति मांगा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है, जैसे तुम निकला मेरे कहने से, मैं तेरे संग चलकर तेरे लिए सारे प्रबंध बनाया है। आमेन, आमेन। मैंने उसको अनुमति नहीं दिया, और परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास न जाए, परंतु तू फिरोगे, अपने भाइयों को भी स्थिर करने के लिए तू चट्टान के रूप में वापस आएगा। यू विल रिटर्न पीटर, strengthen in your faith so as to strengthen even others. Amen, amen. Simon Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat, but I prayed for you, but a day will come that you will return in the might and power of the Holy Ghost, so fortified, so strengthened in faith, that you will be able to strengthen even other brethren. Amen. Anego ko vishwas mein sthir karne ke liye chattan ke saman, you will come back, you will return as a rock of Gibraltar, says the Lord. Amen. Waise aage badhte hain, हम 10 आते हैं, लुका 10वें अध्याय में आते हैं, लुका 10 का हम पहला वचन पहले पढ़ते हैं। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर वो जगह को वो आप जाने वाला था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। ये बात हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, गॉड वुड सेंड 72 अदर्स टू गो टू प्लेसेस विच ही was to visit. यीशु ने लोगों को भेजा, बातर को भेजा, ऐसे ऐसे जगह को भेजा कि जहां यीशु को जाने का था, मार्ग तैयार करने के लिए उनको भेजा था। वे लोग जाने माने लोग नहीं थे, साधारण लोग थे, लेकिन यीशु के कहने पर जाने के लिए तैयार हो गया।
निंदा भोगने के लिए तैयार हो गया, यीशु का वचन बोलने के लिए तैयार हो गया, तलवार लहराने के लिए तैयार हो गया. They were willing to take up the sword and wield the sword and go at his command to be ridiculed by others. Amen. To risk their lives, they would go. वो लोग अपने जीवन को खतरे में डालते हुए निंदित होने के लिए वो लोग जाने को तैयार हो गया. वो वातावरण से पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसके लिए मैं तुझे बेचता हूं. इसे कहा और आगे बढ़ते हैं, उसका 14 और 15 पढ़ते हैं. परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से अधिक सारे रहने होंगे और वे कफरनहूम. नहीं, वो हमें आगे बढ़ना है, हमें सत्रह वचन पढ़ना है. उसका 17 वचन पढ़ना है. वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है. हमें दे कम बैक रिजॉइसिंग. आमेन. बीज बोते वक्त रोते हैं, लेकिन फसल काटते आएंगे, पुलिया लेकर आएंगे. दे कम रिजॉइसिंग अननोन पीपल बट सेंट बाय जीसस. Amen. Started, set out at his word. उसके वचन पे सही शुरुआत किया. अब ये लोग आते हैं. Amen. भूत भी उसके कहना मानता है. ऐसे वो लोग कहता है, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है. हालेलुया. कारण हम जानते हैं, यीशु विनती करते रहा, जब प्रभु हमें बेचता है, हमें ऐसे नहीं बेचता, बेसहारे के रूप में हमें नहीं छोड़ा है उसने. वी आर नॉट हेल्पलेस एज पीपल सेंड बाय जीसस. वी विल नेवर बी हेल्पलेस. ही केप्ट इंटरसीडिंग फॉर अस ऑन द माउंटेन टॉप सो दैट द एनिमी कैन विल फॉल एट आवर फीट. सो इवन द विकेड स्पिरिट्स, इवन द डिमोनिक स्पिरिट्स विल बी सब्जेक्ट टू अस, will be subdued before us. उसके बाद हम वहां से हम प्रेरितों के पुस्तक में चले जाते हैं. वहां से एक एरो है और वहां प्रेरितों का पुस्तक लिखा है, लेकिन अध्याय ऊपर लिखा है. तो दूसरे अध्याय का 14 वचन हम पढ़ते हैं. प्रेरितों का पुस्तक का दूसरा अध्याय का 14वां वचन हमें अब पढ़ना है. तब पत्रस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, Look at Peter now. He has come back in the power and might of the Holy Ghost, just as Jesus had promised. Yesu ne jaisa vaida kiya vaisa patra sab pavitra atma ki purnata mein samarthya kade hota 11 logon ko himmat diya usne. Jaise Yesu ne kaha, when you come back, we'll strengthen your brethren. Hallelujah. Just as Jesus had promised, this man would stand up. Hallelujah. As a mighty rock, he will stand up, encouraging the 11 others. हमें फेसिंग अ हॉस्टाइल क्राउड, उसको विरोध करने वाले लोग, हकीमों की सामना करते हुए, लाइक द माइटी मैन एंड वीमेन हु वुड अपोज हिम. हालेलुया. उसकी सामना करते हुए ही विल फेस सच पीपल ऑफ ग्रेट अथॉरिटी एंड लर्निंग. ऐसे लोग, बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोगों की सामना करते हुए पत्रस खड़ा हुआ और कहता, हे यहूदियों और यरूशलेम, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, हार्कन टू मी. ही सेज, अभी मेरी सुनो. हालेलुया. शुरुआत ऐसा नहीं था पत्रस, लेकिन सही शुरुआत था. अभी तू इतने सामर्थवान बनकर इतने हिम्मत से वचन सुनाता, लोगों के सामने निडर खड़े होता. हमें अनडॉन्टेड यू विल स्टैंड एंड स्पीक सच माइटी थिंग्स एज एन ओरेकल ऑफ गॉड. अमेन. उसके 14 वचन, उसके 14 के बाद हम 38 पढ़ते हैं. उसका 38वां वचन में उसका परिणाम को देखते हैं.
हालेलुया तीसरे वचन में पत्रस ने उनसे कहा मन फिराओ तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो. पीटर टोल्ड देम रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड एवरी वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट Your sins may be forgiven. पत्रस तू आया था ऐसा नहीं. पत्रस कहा मैं बड़ा पापी हूँ, मैं तेरे समीप खड़ा रहने के लिए योग्य नहीं है. लेकिन वही पत्रस अभी खड़े होकर अनेकों की पाप क्षमा के लिए आह्वान दे रहा है. The same Peter would confess that he is a wretched sinner, not worthy to stand next to Jesus. He would stand on behalf of Jesus and will exhort people and will invite people to repent. That their sins may be forgiven. Hallelujah. Hallelujah. This is the finish. This is the great finish that you've been chosen for. Patras tuve Yesu ne uske liye chun liya tha. Isliye chun liya tha. Amen. Ab usi pustak mein hai. Tum 17th adhyay mein chale jaate hain. We move on to the 17th chapter of the Acts of the Apostles. 17 अध्याय से छठवां वचन पढ़ते हैं. उन्हें वहां न पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए. They will drag God's servants now to such people of authority. ऐसे शासकों के सामने, हाकिमों के सामने उसको खींच के लाए. ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है. आमेन. सी व्हाट द वर्ल्ड हैज टू टेस्टिफाई अबाउट दीज पीपल. आमेन. दिस सीमिंगली अनएजुकेटेड पीपल, दिस पावरलेस पीपल, दिस पुअर पीपल हु टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन. हालेलुया. उसके विषय में कहते हैं दीज मैन हैव टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन. हालेलुया. इतना सामर्थ, इतना अभिषेक, इतना हिम्मत. हालेलुया. सिर्फ पाप क्षमा के लिए नहीं बुलाया गया, सिर्फ स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं यीशु ने उनको बुलाया, इन्होंने यीशु के संग जो उठाकर चलने का निर्णय लिया था. These are the people who decided to take up his yoke and walk with Jesus. Hallelujah. They would turn the world upside down. Hallelujah. ये लोग पूरे दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग हैं. सारे जगह को उल्टा पुल्टा करेंगे. Hallelujah. That is the finish that you and I have been called for. That is where Jesus is leading us to. समाप्ति के लिए, towards that goal, towards that breast, that line. Amen. God is taking us. That is the tape that we will breast. Hallelujah. उसकी ओर प्रभु हमें ले जा रहा है. जो उठाकर चलने वाले मूर्ख नहीं है, सूली उठाकर चलने वाले मूर्ख नहीं है, वेदी पर लटाने वाले मूर्ख नहीं है. He is no fool who lays himself on the altar. He is no fool who willingly bears his cross. He is no fool who will take up the cross, the yoke of Jesus and walk with him and learn of him. Hallelujah. തന്റെ കുരിശെടുത്ത് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഢിയല്ല. ആമേൻ. യേശുവിനോടുകൂടെ മുഖമെടുത്ത് അവനോട് ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഢിയല്ല, അവൻ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവനായിത്തീരും. പത്രോസിനെ പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും, അനേകരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും. ഞാൻ മഹാപാപിയാണ്, എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ എന്ന് കരഞ്ഞവൻ അനേകരുടെ പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ സ്നാനജലത്തിലേക്ക് അനയിക്കുന്നവനായിത്തീരും. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർ, വിവരം കെട്ടവരെന്ന് ലോകം വിധി എഴുതിയവർ, ലോകപ്രകാരം ഒരു തരത്തിലുള്ള മഹത്വം ഇല്ലാത്തവർ, അനേകർ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവരായിത്തീരും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ആമേൻ. കുരിന്തിമയാത്ത പല അധ്യായ കാട്ടുവ വചൻ പഠിത്ത ഓ തുമെ അന്ത തക് ദൃഢിപി കരേഗ കി തു ഹമാരെ പ്രഭു യേശു മസീഹ് കെ ദിൻ മെ നിർദോഷ് ഠഹരോ. ഹി വിൽ ടോ Hallelujah. He will sustain you to the very end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yesu Christ ke din mein. Hallelujah. Nirdosh hokar.
परमेश्वर के सामने तुम पेश किया जाएगा. यू विल बी पैरेडेड एज ब्लेमिशलेस एंड सिनलेस बिफोर द फादर ऑन द डे ऑफ क्राइस्ट. यीशु मसीह के दिन हमारे लिए है. यीशु मसीह का दिन की इंतजार है. वी लुक फॉरवर्ड टू द डे ऑफ क्राइस्ट, नॉट टू दैट ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड. हम यहोवा के वो भयंकर दिन के इंतजार नहीं करता, हम यीशु क्रिस्त के दिन के इंतजार करता. नाम കാത്തിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി അത്രേ, യഹോവയുടെ ഭയങ്കരമായ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി അല്ല. അന്നാളിൽ നാം വിശുദ്ധരായി തേജസ്സുള്ളവരായി നിഷ്പാപരായി ആമേൻ അവന്റെ മുൻപാകെ എഴുന്നള്ളിക്കപ്പെടും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഉസ്കെ 15 അധ്യായ ഹം 42 സെ പഠത്തെ ഹൈ. मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है. शरीर नाशवान दिशा में बोया जाता है. What is sown as perishable, it will be raised as imperishable. अविनाशी रूप में उठता है. अनादर के साथ बोया जाता है. Sown in dishonor, it will be raised in glory. Amen. और तेज के साथ जी उठता है. हमें निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ के साथ जी उठता है. इट इज सोन इन वीकनेस, इट इज रेस्ड इन पावर. बीज बोया गया इसी अवस्था में, लेकिन फसल काटते वक्त कैसा है देखो. मिट्टी में देखे बटे लंग नहीं अत्रे एना कोई तगाल तो नोखो अदर महत्व नोखू അതിന്റെ ശക്തി നേക്കൂ അതിനെ മഹിമയെ കാണൂ. സ്വാഭാവിക ദേഹം പോയി ജാതി ഹൈ, നാച്ചുറൽ ബോഡി ഈസ് സോൺ, ബട്ട് ദ സ്പിരിച്വൽ ബോഡി ഈസ് റൈസ്ഡ്. ആത്മിക ദേഹ ജീ ഉഠതാ ഹൈ. ആമേൻ. ജബ്കി സ്വാഭാവിക ദേഹ ആത്മിക ദേഹ ഭീ ഹൈ. ആമേൻ. ഇസ്ലിയേ കഹതേ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി വിൽ ബി. This is going to be the end. Amen. The beginning may not look like very spectacular. आरंभ में ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत गंभीर रीति से आरंभ हुआ, लेकिन सही रीति से आरंभ हुआ. Amen. गंभीर रीति से नहीं, सही रीति से आरंभ हुआ, गंभीर रीति से समाप्त किया जाएगा. The start was right. The finish will be great. Amen. आगे बढ़ते हैं. हमें वहां से जाकर एफिसियों में नजर डालना है. एफिसियों की पत्रिका 4 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. हालेलुया. वी नो दिस वर्स, वी लव दिस वर्स. Ephesians 6:13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, having done all to stand firm. Sab kuch samapt karkar, mahima dharan karkar kade rahoge. Amen. Having finished the warfare, having conquered the enemy, thou shalt wear the crown. Hallelujah. സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് വീരനായി ജയാളിയായി നിൽക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതെന്ന് യഹോവയുടെ ആയുധവർഗം എടുത്തുകൊള്ളുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. സാരേ ചീ സമാപ്തി കർ കർ ഐസേ മഹിമ ധാരൻ കർ കർ കളെ ഹോ ജാവഗേ ക്രൗൺ വിത്ത് ഗ്ലോറി വി ഷാൽ സ്റ്റാൻഡ്. ആമേൻ. ആമേൻ. Having done all, hallelujah. वहां के बैठता है. मैं वहां से पलितिसलुनी में जाना. पलितिसलुनी 5 अध्याय से हम पढ़ते हैं. पलितिसलुनी 5 अध्याय 23 से पढ़ते हैं. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें. And may the God of peace himself sanctify you completely. हमने जुनानियों में पढ़ा कि मेरा नाम तुम्हारे कारण
निंदित हुआ, लेकिन मैं तुझे सब पवित्र करूंगा, मेरे नाम तुझ में पवित्र ठहराया जाएगा, ताकि पूरा दुनिया देखे उसकी खूबी। We read in the Old Testament today that because of the same name that God profaned among the Gentiles because of me, He will sanctify His name in me, thereby sanctifying me for the world to see that it is God who has sanctified me. ഞാൻ നിമിത്തം അവന്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അതേ നാമം ഞാൻ നിമിത്തം മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ അവൻ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് എന്നിൽ വിശുദ്ധനായി വിളങ്ങും ലോകത്തിന്റെ മുൻപാകെ. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഇത് സംബന്ധിച്ചേ മതിയാകൂ. സണ്ണിയെ പോലുള്ള അരിഷ്ടനെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ അവനോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന്. मुझ जैसे ऐसे नीच इंसान को भी पवित्र करने वाला पवित्र आत्मा मेरे संग है, ये दुनिया के सामने दर्शाते हुए प्रभु मुझको पवित्र ठहराएगा और मुझ में वो पवित्र ठहरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। 23 और 24 पढ़ना है, वो तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। That your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. That is going to be the glorious finish. യേശു ക്രിസ്തു ആയേഗാ തബ്. सिर्फ आत्मा उद्धार पाने वाली बात नहीं है, प्राण मन हालेलुया और शरीर स्पिरिट एंड सोल एंड बॉडी वी केप्ट ब्लेमलेस एट द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। ही हु कॉल्स यू इज फेथफुल, ही विल श्योरली डू इट। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वही ऐसा ही करेगा। बार बार हम ये वायदाओं को पढ़ते हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए। हालेलुया, जैसे भजन में हमने पढ़ा, जैसे भविष्यद्वक्ताओं का मुंह से हमने सुना, वी विल कीप ऑन रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स ऑफ दिस ब्लेस्ड प्रॉमिसेस। आमेन। कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स। हम बार बार अपने आप को यह याद दिलाएंगे, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वो सच्चा है, भरोसमय है। फेथफुल इज द वन हु हैज कॉल्ड अस एंड ही शैल डू इट। आमेन। वही करेगा, वही करेगा। यीशु के नाम या में नाम। हम दूसरी तिमोथी में चले जाते हैं, वहां से भी हम वायदा को सुनेंगे, वायदा को अपनाएंगे। दूसरी तिमोथी 14:17-18 पढ़ेंगे। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुनने लगे। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। पॉल कहता है, I was into such a disastrous situation and such perilous time. Nobody stood with me. कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। ऐसा लगा था कि मैं सिंह के मुंह में जाके पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुड़ाया। ऐसे कहता है कि the Lord stood by me and strengthened me, कहता है, there was no one to stand by me, all deserted me, the Lord strengthened me. That through me the message was proclaimed and all the Gentiles could hear it. So I was rescued from the lion's mouth. Simu ka muh se mein chudaya gaya. Aur maine talwar to lehraya. Vachan to sunaya. I did wield the sword and preach the word. Amen. And God stood with me. He strengthened me. The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into His heavenly kingdom. वो कहते हैं प्रभु मसीह जिसने मुझे तब अभी बचाया, वो मुझे छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। He will reach us safely to the other shore. Hallelujah. जय के साथ, जय के उत्सव मनाते हुए हम उस पार किया जाएंगे। We shall be brought to His kingdom. Amen.
When you return with gladness and joy and with celebration and with sheaves on your shoulders. Jab laut aaya jayega khushi ke saath hoyenge. Amen. Anand manate hue aaoge. Amen. Puliya lekar aayenge. Amen. Aur parmeshwar ke rajya mein aise bade jay ke saath pravesh kiya jayega. Karaya jayega. Ab Ibrani mein aata. Ibrani ke saath wo adhyay se padhta. 25va vachan padhta. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है. हालेलुया. He is able to save to the utmost those who draw near to God. Amen. जब हम तैयार हो जाता सब कुछ छोड़कर उसके पीछे होने के लिए, सूली उठाकर आगे बढ़ने के लिए, यीशु के जुआ उठाकर उसके साथ सीखकर आगे बढ़ने के लिए, जब हम तैयार हो जाता हमारा पूरा पूरा उद्धार किया जाएगा. हमें पूरा पूरा उद्धार वो कर सकता है जो परमेश्वर के पास आता है, उसके कहने के अनुसार आता है. These are those weaknesses who are chosen to carry their crosses, who will take up the yoke of Jesus and would walk with him, leaving behind everything that could have been theirs for the asking. These are the people, and they will be saved to the uttermost by the one who called them. Hallelujah. Aise log ye log hai, sab kuch piche chhod kar parmeshwar ke kehna maan kar, juwa utha kar, cross utha kar, yesu ke sang chalne ke liye apne aap ko arpan kiye hai, uska pura pura udhar kiya jayega. Ivar atre avar sakel untranavil ganichitta avarkulladokke laabha ായിരുന്നൊക്കെയും ചേതമെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ കുരിശെടുത്ത് യേശു കർത്താവിന്റെ മുഖമെടുത്ത് അവനോട് ചേർന്ന് പഠിച്ച് അവനെ പിൻഗമിച്ചവർ ഇവരത്രേ. ഹല്ലേലൂയാ. ഇവരത്രേ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവർ, അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ശക്തനത്രേ. ഹല്ലേലൂയാ. They will be saved to the uttermost and will be translated to the other shore. Hallelujah. Mahima ke saath ve log us paar pahunchaya jayega. Yesu ke naam mein amen. Amen. Aap pehla patras mein jaate hain. Pehla patras ki or dekhta hai. Pehla patras 5 adhyay se hum kuch vachan padhte hain. 6 se padhte hain. Isliye parmeshwar ke balavant haath ke niche deenta se raho, jisse wo tumhe uchit samay par badhaye. Hallelujah. We humble ourselves under the mighty hand of God so that at the proper time He may exalt us. Hallelujah. Sahi samay pe hum uthaye jayenge. Isliye hum ab uske balavand hath ke adheen bane rehte hain. We will humble ourselves under the mighty hands of God. Hallelujah. Deenavar daridra ko nahi bulta. Hallelujah. इसलिए हम बने रहेंगे कि सही समय पर वो हमें उठाए, हमें बढ़ाए, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. कैस्टिंग ऑल आवर एंग्जायटीज ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर अस. इसीलिए हम निश्चिंत चलते हैं, इसलिए हम उसका जुआ उठाते हैं. इसलिए नहीं है कि जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए नहीं है समस्या या नहीं है, परंतु इसलिए कि उसका ख्याल है हमारा. हालेलुया. तुम्हारा ध्यान है उसको, सचेत रहो, जागते रहो. हालेलुया. इसके लिए हम जागते रहता है क्योंकि हमारे विरोधी ऐसे सिंह के समान गर्जते हम जानते हैं, इसलिए हम उसके हाथ के अधीन बने रहते हैं, सारी चिंता छोड़कर हम बने रहते हैं. हम 10वां वचन भी पढ़ते हैं, 10:11 भी पढ़ते हैं. और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह के दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर कष्ट उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, उसी का साम्राज्य युगानुयुग बने रहे. परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया वह अनुग्रह का दाता है. हालेलुया. यीशु मसीह में आनंद महिमा प्राप्त करने के लिए तुझे बुलाया है, ऐसा महिमा से धारण कराने के लिए बुलाया है. आमीन. थोड़ी देर दुख सहना ही पड़ेगा, थोड़ा देर आंसू बहाते हुए वचन बोते हुए चलना पड़ेगा, क्रूस उठाते हुए चलना पड़ेगा, जुआ उठाकर सीखना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा. आमीन.
Hallelujah. The very same God who has called you after you have suffered a little while. He be the God of grace and blessing. Amen. He has called you to receive eternal weight of glory in Christ Jesus. Amen. He will restore you. He will confirm you. He will strengthen you. He will establish you. He has called you to receive such glory in Christ Jesus. Yeshu Christ mein aise mahima dharan karane ke liye usne bulaya hai. Yeshu Christ vil mahatvathinte poorna dhanam praapikkendathinu ningale vilicha kripaluvaya devam vishwasthanayathukonde avan ningale urappikkum, avan ningale sthirikarikkum, avan ningale kaakkum, avan ningale sookshikkum. Avante rajyathin andamilla, avan yugaanuyugam mahatvam undaakatte. Amen. Amen. There is no end to his dominion forever and ever. Let him be glorified and exalted. Hallelujah. This is the great finish that awaits us. ये वो महान समाप्ति, ये शानदार समाप्ति जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. भले यूहन्ना में जाते हम वचन जानते हैं, यूहन्ना हमें ये निर्णय दिलाता. भले यूहन्ना 3:30 दूसरे अध्याय में कहता, जब वो प्रकट होगा, हालेलुया, तब हम उसके समान होंगे. When he appears, we shall be like him. This assurance, let it come back to me again and again. Let it remind me. Hallelujah. Let it arouse me. वो मुझे उत्तेजित करे, वो मेरी आशा को जिलाए. मैं ऐसे संभाल बनूंगा. Hallelujah. जब वो प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगी, when he will appear, I shall be like him. I shall be like him. Hallelujah. सारे वचन को समाप्त करके, लेकिन आराधना समाप्त करने से पहले अब और एक बार यहूदा की जो पत्रिका है उसका अंतिम वचन के ऊपर नजर डालता. 24 और 25 पर क्रम आज की सभा को, आज की आराधना को समाप्त करते हैं. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता, to him who is able to keep you from stumbling. Hallelujah. Hallelujah. ठोकर खाने से जो हमें बचा सकता, वो अपनी महिमा की भरपूरी के सामने. He will cause us to present us. He will cause us to stand before the presence of his glory, blameless and with great joy. निर्दोष करके कड़ा कर सकता है. எல்லையிடர்ச்சியில் நின்று நம்மை விடுவிச்ச അവന്റെ മഹിമാസന്നിധി നിഷ്കളങ്കരായി നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനത്രേ അവന്. ഏകമാത്ര പരമേശ്വരമാരെ ഉദ്ധാർകർത്താക്കി മഹിമ അവർ ഗൗരവ് അവർ പരാക്രമം അവർ അധികാർ. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, be majesty, dominion and authority before all time, now and forever. Amen. Avarudan ella magathum pugalchayum ella bahumanu varadhayum. Hallelujah. Adi mudal antyam vare undayirikkatte. Amen. Amen. Ee valiya lakshyathilekku namme nadathuvar, ee unnathamaya prathipalathinu vendi namme orukkuvar, ee adimanoharamaya tejasseriya magathum പ്രാപിപ്പാനുള്ള അന്ത്യത്തിനായി നമ്മെ ഒരുക്കുവാൻ വിളിച്ചവന് എന്തെന്തേക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. ആമേൻ. യേ മഹാന സഫല പാനെ കെ ലിയേ, യേ ശാന്താർ സമാപ്തി കെ ലിയേ പ്രഭു നെ ഹമേ ബുലായാ ഹേ. മഹിമാ ഹോ ഉസ്കി, ആരാധന ഹോ ഉസ്കി, സ്തുതി ഹോ ഉസ്കി, പ്രശംസ ഹോ ഉസ്കി, യുഗ യുഗോ കെ ലിയേ ഹോ, അനന്ത കാൽ കെ ലിയേ ഹോ, ആദി സേ അനന്ത കാൽ തക്കോ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഉസ്കി ഹോ പ്രശംസ. Let the glory be his, majesty and dominion and power and authority and worship be his, be his. He has called us for such a great finish. Hallelujah. Mahima uski ho, Yeshu ke naam mein ho. Amen. Amen. Parameshwar hame chalayega, uske balwant haath ke adheen hum bane rahenge. Namrata mein नम्र होकर हम उसके बलवंत हाथ के अधीन बने रहेंगे. सही समय पर उठाया जाएगा. एक ऐसे महान समाप्ति के लिए वो हमें
jhilayega. We will submit ourselves and remain under the mighty hands of God in humility, that we may raised up at the right time to receive such weight of glory. I see mahima for such a glorious finisher. Uske liye apne aap ko, hamare parivaron ko, hamare mandaliyon ko, hamare desh ko uske mahaan haath mein saup deta hai. Adhubele valakarathin keele thaalindirunda takka samayathu mahatvam praapippaan uyarthapadendathilla naam nammeyum nammude kudumbangaleyum nammude mudivum kootaimiyeyum സകല ദൈവജനത്തെയും സമർപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ദേശവും അവൻ്റെ കരം കീഴിൽ കരത്തിന് കീഴിൽ താഴ്ന്നിരിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. പിതാ പരമേശ്വർക്ക് അസീം പ്രേം. നിരന്തര ബനരേനെ വാലെ സ്വർഗീയ ശാന്തി. और उसके एकमात्र पुत्र और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसे अनुग्रह चंगाई के सामर्थ्य दृढ़ विश्वास सनातन आशा अलौकिक आनंद हिम्मत സ്വർഗീയ ജ്ഞാൻ സമസ്താരിയോ സുരക്ഷ പവിത്ര ആത്മ പരമേശ്വർ കീ ഹമാരെ സാത്ത് ഉസ്കി സഹായത ഓൾ ഹിസ് കമ്മ്യൂണിയൻ ആൻഡ് ഫെലോഷിപ്പ് സഹഭാഗിത ഹമാരെ സാത്ത് ഹമാരെ പൂരേ പൂരേ കലീസിയക്കെ സാത്ത് ജിതനെ ഭീ വ്യക്തിയോക്കെ ലിയേ വിഷയോക്കെ ലിയേ ഹംനെ പ്രാർത്ഥന കർത്തേ ആയേ ഓർ കർണാ ചെയ്യേ ജിനോനെ ഭീ ഹംസേ പ്രാർത്ഥന കീ മാംഗത് കീ ഉൻ സബോക്കെ സാത്ത് हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक अधिकारियों के साथ और हमारे देश के और दुनिया भर के इस महामारी के कारण दुख संघर्ष से गुजरने वाले लाखों लाखों लोगों के साथ और दुनिया भर के यीशु के संतों और कलीसियों के साथ खास करके अनेक तरह के दुख संघर्ष से गुजरने वाले पीड़ा सहने वाले हमारे भाई और बहनों के साथ इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदेश के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे आमेन और आमेन। परमेश्वर आपके साथ बने रहे हर जरूरत को पूरा करे स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे यीशु के नाम में आमेन। May the gracious Lord be with you all, meet you at every point of your need and keep you safe, secure, and in perfect health. In Jesus' name, amen. Have a greatly blessed Lord's Day. Bahut sundar aur aashishit Prabhu Divas ki shubhkamnaye main deta hoon. Amen. God bless.